nhi tụi mà mình. Hey guys, तो अभी हम आए हैं मेरे बगीचे में. तो अभी हम यहाँ पे करेंगे पूजा एंड उसके बाद हम पूजा बनाएंगे और मैं अपना खेत मतलब अपना बगीचा दिखाऊंगी आप लोगों को. तो हम जा रहे हैं अब हमारे खेत पर. रास्ता यहाँ से बहुत जाता है और यहाँ है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र. यहाँ से ना हॉस्पिटल भी जाता है गाइस और वहाँ लगता है आगे एक कुत्ता है. Whoa, nice view. मम्मी यहाँ क्या बन रहा है? ये टैक्सी स्टैंड. वाह गाइस, देख सकते हैं आप ये बन रहा है टैक्सी स्टैंड पीलो का. पार्किंग हो रहा है पार्किंग. और ये है स्पीलो का हॉस्पिटल. ये है किसी का कुत्ता. तो ये है मेरा खेत गाइस. ये है सेब का पेड़ और ये है बादाम का. ये है मेरा अस्पताल वाला जहाँ है हॉस्पिटल वहाँ वाला खेत. हम अस्पताल रुई बोलते हैं. रुई मतलब खेत, अस्पताल मतलब हॉस्पिटल. यहाँ से व्यू. यहाँ ज़्यादा बादाम के पेड़ हैं और सेब के भी हैं. तो हम जा रहे हैं आगे. तो पहले खेत में आए हैं तो थोड़ी पूजा तो करनी ही पड़ेगी. तो हम ये लाए हैं शुरकू जो है धूप किनार का हरा धूप. हम वो चलाएंगे पहले. तो मम्मी ने जला दिया है आग और जब इसका अपठू बनेगा तब हम लगाएंगे इसके ऊपर धूप. अपठू मतलब कोयला. बस उसका ही वेट करना पड़ेगा. तब तो मम्मी बना रही है हम दोनों के लिए पूजा. तो मम्मी बना रही है पूजा. हमने लग कर ले जाना है घर. मम्मी नहीं चाहती कि वो मेरे वीडियो में आए तभी मुझे पीछे से बनाना पड़ रहा है. मम्मी को क्या पता एक दिन फेमस हो जाऊंगी तो तब तो मम्मी आना चाहेगी और ये बात सुन के मम्मी मुझे दौड़ाना चाहेगी. बहुत ज्यादा है ये. अभी परसों चौथ को, हाँ चौथ को डोया था और वहां तो कुत्ता है मतलब मुझे काटेगा तो मैं पर नहीं जाऊंगी. मुझे जाना है ऊपर वहाँ देखने क्योंकि यहाँ डंगा गया था हमारा ना तो वहाँ पे खाद लगाया है कि नहीं वही देखने जाना है. यहाँ देखो गाइस पूरा रोड नीचे आ गया था क्योंकि हमारे रोड के नीचे है ना खेत और रोड के ऊपर भी है और ये रोड के नीचे तो ये रोड ग्रेफ वालों ने पूरा नीचे डाल दिया था और वही पत्थर भी आ जाते ऊपर से तो यहाँ बच के रहना पड़ता है. यहाँ देखो आप और यहाँ तो मेरा ये भी, हाँ ये डांगा भी चला गया था और वहाँ पर ये भी ये सब. और हमारी वहाँ पे डोगरी थी हम लोग तो डोंग बोलते वहाँ बैठने का बट वो भी चला गया दब गया ना वो भी. नहीं तो हम लोग वहाँ बैठते थे मैं मेरी दादी हम लोग. फिर कभी कभी गर्मियों को तो घर भी नहीं जाते थे वहीं बैठते थे और बहुत मज़ा आता था. ये तो हमने ठीक किया टंगा लगा के बहुत ज़्यादा तो नहीं तो पूरा आ गया था ये यहाँ नीचे था. और ये जो पत्थर साइड किया है ना ये भी एक ग्रेफ वाले भैया बगड़ों का है. ये देखो सारे लटके हुए हैं
ये सतलुज नदी है गाइस। अब बन गया हमारा आउट। अब हम लगाएंगे इसमें शुरकू। और ये डालते हैं शुरकू, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये दूध का काम करता है। हमारा लोकल दूध है ये लोकल दूध है हमारा। ये पूछा चकना है गाइस मेरे को टुंग टुंग। और पीछे धूप जल रही है अभी भी। हमारा बन गया है पूजा ये। और ये तो अब हम इसको चख के जाएंगे। ये पीछे लगाने को नहीं, मेरे पास जैकेट है। और अब हमें वही कुत्ते से होकर चलना पड़ेगा जो कि हमें काटेगा। और ये देखो मेरा पोचा। और ये गुस्सा तो मुझे तब आता है ना जब ये पेड़ों पे अटकता है, फिर ऐसे अरे पेड़ अटकता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है कि वही फेंक दूँ। और ये मेरा धूप है जो अभी भी जल रहा है। अब हम जा रहे हैं घर वापस। अभी तो कैमरा बंद ही कर देती हूँ, अगर मैं अड़ गई ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा और मेरा भोजा भी घर नहीं पहुँचेगा। नहीं तो मुझे अभी पता लगा यहाँ पर टैक्सी स्टैंड और पार्किंग के लिए बन रही है। शायद तो बस भी यहीं पार्क होगी, फिर बस स्टैंड भी बन जाएगा। नहीं तो ऐसी रोड में खड़ी होती है बस, पर है वहाँ पे भी जगह बहुत। जा रहे हैं खेत में गाय के लिए घास लेने। तो ये है मेरा खेत। यहाँ से पड़ी बहुत लंबा पड़ी तक पड़ी तक, पर हमें तो यहीं से बोझा ले जाना है अपनी गाय के लिए। वो मम्मा बना रही है पूजा। बस इतना ही मेरी मम्मी जा रही है मुझे छोड़ के यहीं पे। हाँ हाँ तो मुझे पता था एक बार देखना पड़ेगा कोई गाय गुई तो नहीं आई है। आइयो देखो गाइस, ये है सेब के पौधे। नहीं यार गाय कहाँ पर तो जाना। नहीं नहीं यार तो चलो कितनी काम चोर हूँ मैं गाइस। तो मुझे बनाना है आप बोझा और फिर कोई दाना है फिर घर। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना।